गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एनएस न्यूज एक्सक्लूसिव में। मैं हूं रंजीता पठारे और हाजिर हूं आज के न्यूज एंड मैपलेट में। आज न्यूज एंड मैपलेट में हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलाना चाह रहे हैं, एक ऐसे इंसान के बारे में बताएंगे जिनकी एक आवाज से 100 से ज्यादा मोर इकट्ठा हो जाते हैं। पीकॉक मैन कान्हू, जिनके मोर तक दीवाने हैं, मतलब मोर भी उनकी भाषा समझते हैं। तो हम जानते हैं पीकॉक मैन कान्हू की कहानी। ये कहानी नहीं, ये हकीकत है। आपको कटक में रहने वाले 22 साल के कान्हू की बात बताते हैं। मोर से प्यार उसे विरासत में मिला है, उसी की आवाज का जादू ही मोरों को खींच लाता है जंगल से। इतने सारे मोर उसके आसपास खड़े हो जाते हैं, नाचने लगते हैं। दिन में 2 बार कान्हू उनको खिलाने के लिए बुलाता है और जब भी वह जंगल में ये आवाज लगाता है तो वो मोर तुरंत आ जाते हैं। 2 मिनट के अंदर सभी उनके पास चले आते हैं। कान्हू ने इन मोरों को की देखरेख के लिए अपने जीवन का अमूल्य समय दिया है और दे भी रहे हैं। 1999 के साइक्लोन के बाद 3 मोर कहीं से उड़कर आए, तब कान्हू नहीं उनके दादाजी यहाँ के नजदीक फायरिंग रेंज में गार्ड की नौकरी करते थे। 3 मोर को देखकर उनको खाना देने की शुरुआत वहीं से हुई। जानवरों से प्यार करने वाले दादाजी धीरे धीरे उनको प्यार करने लगे और मोर हर आवाज पर हर रोज आने लगे। दादाजी जब दुनिया से विदा लेने लगे तो यह जिम्मेदारी कान्हू को दे गए। कान्हू अपने दादा का वचन आज भी निभा रहे हैं। आज उनके पास लगभग 133 मोर है जो आजाद पंक्षी है, पर कान्हू की आवाज और प्यार ने उन्हें बंदी बना रखा है। वे जब भी पुकार लगाते हैं सारे मोर दौड़े चले आते हैं और उनके आसपास झुंड बनाकर बैठ जाते हैं, नाचने लगते हैं, खुशियां मनाते हैं। कान्हू उन्हें रोज खाना खिलाते हैं। आज के रीजन में प्लेट में इतना ही था। दिन भर बने रहिए एनएस न्यूज एक्सक्लूसिव के साथ, एक से बढ़कर एक वीडियो उसके लिए। थैंक यू, गुड डे।